92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे योगी, और आज पता है मैं कहाँ पे आया हूँ? मैं हूँ जीके में, और कहाँ हूँ ये देखिए, अंतारा केयर होम्स में मैं हूँ। अब यहाँ पे क्या है, क्या खास है, यहाँ पर क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए चलिए हम अंदर चलते हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं उन लोगों से जो यहाँ पेशेंट्स की केयर करते हैं, इनकी केयर गिवर से, और साथ ही साथ जो टीम इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे है उनसे बात करते हैं। चलिए, आई एम विद समवन जो कि इस पूरे डिवीजन को हेड करते हैं, इसके पीछे का दिमाग कह सकते हैं उनको। मेरे साथ है पूर्ति जो कि प्रोडक्ट हेड हैं अंतारा केयर होम्स के लिए। पूर्ति वेलकम। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप कंसेप्ट के बारे में बताएं हमारे को, और आपके साथ भी कोई हैं उनके बारे में भी हमें बताइएगा। तो मेरे साथ केशव राज है, ये इस फैसिलिटी मैनेजर है। यहाँ पे कंप्लीट फैसिलिटी का यही ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो ब्रेन के साथ साथ उनका दिमाग भी आप इस्तेमाल करती हैं अपने साथ। आप कह सकते हैं क्रिएटर के साथ एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर यहाँ पर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि जो अंतारा होम्स है, इसका आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ, ये पैदा कैसे हुआ? सो अंतारा सीनियर केयर 2013 में आया था, तब हमने इंडिपेंडेंट सीनियर लिविंग के साथ शुरू किया था। हमारा फर्स्ट जो सर्विस ऑफरिंग आया था वो देहरादून में आया था, सीनियर लिविंग कम रिटायरमेंट होम्स, उन लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंट हैं और अब अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं। जब हमने उनकी जर्नी देखी तो हमने देखा कि हर सीनियर जो ग्रो कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद असिस्टेंस की नीड में आता जा रहा है, बिकॉज फिजिकली, क्लिनिकली और मेंटली उनको उनकी बॉडी धीरे धीरे चेंजेस लेके आ रही है। और वो चेंजेस जो हैं, जनरली हम घर में बुढ़ापे का नाम बोल के बस छोड़ देते हैं कि अब तो बुढ़ापा है, बस यही ज़रूरत है या यही अब फ्यूचर होने वाला है। दैट्स व्हेन हमने सोचा कि केयर होम या असिस्टेड लिविंग सेंटर इनके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इन्हें असिस्टेंस भी मिले, प्लस इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे इनकी सेहत से ज़रूरी हर चीज़ हम ले पाएं। ये कॉन्सेप्ट था केयर होम को लाने का। अच्छा, जैसा आप मैनेज कर रहे हैं पूरी चीज़ को, तो मैं जानना चाहूँगा हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मैनेज सच एन इनिशिएटिव। सो जब हम सीनियर्स को यू नो सर्व करते हैं बेसिकली, तो मोरलेस जब सीनियर्स को सर्व करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो चाइल्ड की तरह हो जाते हैं, राइट। सो जब भी वो सबसे पहले सेंटर में आते हैं तो उनको जो सबसे पहला होता है कि उनको बेसिकली उनको प्यार से रखना, बेसिकली जो हम बोलते हैं सेवा भाव, राइट। सो उनको सेवा भाव सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हम रखते हैं, राइट। एंड उनके साथ उनके डे टू डे लाइफ में मोर इंगेजिंग होना, राइट, कि वो कि अगर सपोज दैट घर में उनकी एक्टिविटीज़ अगर कुछ है जो वो करते हैं तो उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो घर में अगर मैं मोर लाइक 9 o'clock में अगर घर से निकलता हूँ, मैं 6 बजे जाता हूँ, तब तक मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अकेले रहते हैं। सो उस टाइम को कवर करने के लिए जब वो सीनियर्स हमारे पास आते हैं, जब वो रेजिडेंट हमारे पास आते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना है बेसिकली कि उनका जो टाइम है वो इंगेजिंग रहे, खाली ना रहे, राइट, दिमाग में वो चार चीज़ें ना सोचें। सो जो यहाँ पे प्लानिंग्स होती है, जो सीनियर्स के लिए प्लानिंग है, इंगेजमेंट प्लानिंग्स है, मील प्लानिंग है, तो वो सारी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। बेसिकली उनको यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको होम लाइक एनवायरनमेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें वो मिलती है जो उनको डे टू डे लाइफ में उनको मैंडेटरी है। जो लोग पेशेंट्स की केयर करते हैं उनके साथ अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, और शेफ भी हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं अब एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपसे और आपसे खासकर जो आप केयर गिवर्स हैं, कि जो पेशेंट हैं यहाँ पे सीनियर जो हैं वो यहाँ क्यों आते हैं, क्या रीज़न लगता है आपको कि इस वजह से वो यहाँ पहुँचते हैं? सीनियर्स का यहाँ आने की सर बहुत सारे रीजन्स हैं। पोस्ट ऑपरेटिव भी केस हमारे पास आते हैं रिकवरी के लिए, राइट। उनको फैमिली घर जैसा सारा इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है सर, और यहाँ सेवा भाव से भी हम पेशेंट, मतलब पेशेंट को पूरी सेवा भाव से उनको ट्रीट करते हैं, केयर के लिए बेसिकली वो यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा नेहा, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि कितने वक्त के लोग यहाँ पर रुकते हैं जो पेशेंट के लिए बात करूँ? सर एक्चुअली जो पेशेंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे हो जाता है जैसे वन ईयर के स्टे के लिए आती है रेजिडेंट यहाँ पे, और शॉर्ट टर्म में जैसे 1 week और 10 days के लिए। अच्छा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप खाना बनाते हैं और आपका खाना खा के जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं, राइट, तो कौन सी चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है जब आप बनाते हैं तो? सर एक्चुअली हम लोग एक हेल्थ क्यूजीन के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि एक साइक्लिक मेन्यू होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा खाना बनता है।
अच्छा जी फाइनली मैं आ गया हूँ डॉक्टर जी एस ग्रेवाल के साथ यहाँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल ओपीडी यहाँ पे चलती है, इसके बारे में क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा आप। देखिए हमारे कंट्री में एक ना बिलीफ है कि हम तो जी अपने देव बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखा जाता है, हमारा कल्चर है। राइट। वो कल्चर पॉसिबल था जब एल्डर्स जो 65 ईयर्स से ऊपर माने जाते हैं वो उनकी संख्या जो थी तकरीबन 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम था। टुडे 65 ईयर्स के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन पहुंच चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि अगले 3 या 5 साल में ये 16 से 17% हो जाएगी। सो व्हेन यू हैव इतना लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एल्डर्स और उसमें से मोर देन 50% विल बी डिपेंडेंट। राइट राइट। सो आपको आज की तारीख में हिंदुस्तान में 15% पॉपुलेशन बच्चों की है और हमारे पास एक स्पेशल मिनिस्ट्री है चाइल्ड वेलफेयर, हमारे पास इतने पीडियाट्रिशंस हैं, इतने चाइल्ड हॉस्पिटल्स हैं। तो उसको रिवर्स करिए, जब उतनी ही पॉपुलेशन एल्डर्स की होगी तो एल्डर्स की जो इश्यूज हैं वो केवल बीमारियां नहीं हैं। राइट। इट इज मोर देन डिजीज एंड देयरफॉर अ स्पेशल ओपीडी फॉर एल्डर्स। अच्छा, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे अभी जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, उन सबसे आप क्या कहना चाहेंगे? एंड माई स्लोगन विच आई हैव मेड फॉर टू स्लोगन्स, वन इज एवरी एल्डर शुड से मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, एंड द सेकेंड स्लोगन आई मेड नथिंग अबाउट मी विदाउट मी। वंडरफुल। तो ये दो स्लोगन आई थिंक ये सिर्फ एल्डरलीज के लिए नहीं है, जिंदगी जीने का मंत्रा भी बता दिया डॉक्टर ग्रेवाल ने हम सबको। थैंक यू सो मच डॉक्टर ग्रेवाल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। 92.7